अनिला जी अब आप आ जाइए, आता हूं सर। अनिला जी ये डिफेंड इसलिए क्योंकि एक खास धर्म से जुड़े, अब पहले असद का डिफेंड और अब देखिए यहां पर शाहनवाज जो कि गेमिंग धर्मांतरण का आरोपी, जो कि नाबालिग बच्चों को बरगला रहा था, मुसलमान बच्चा है। मेरी सबको राम राम। बिल्कुल मैं सुन रही थी बृजमोहन श्रीवास्तव जी को, सुन रही थी एनसीपी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर जी को भी सुन रही थी। जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि समाजवादी पार्टी जो तुष्टिकरण में बुरी तरीके से डूबी हुई है और ऊपर से ये मुस्लिम प्रवक्ता, आपको लगता है कि ये कुछ एक शब्द बोलेंगे शाहनवाज के खिलाफ? एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली हूँ। आपको कड़वा नहीं, आपको कड़वा लग रहा है, रखिए अपनी बारी में बोलिएगा। तो नहीं नहीं आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मिर्ची मिर्ची लग गई, अब मेरी बारी है, मैं बोल रही हूँ। अब्बास भाई आप अनिला जी को सुन लीजिए, इसके तुरंत बाद में आपको मौका दूंगा, एक टिप्पणी का आपको तुरंत मौका दे दूंगा। आप जो बातें आपको गलत लग रही है उसको क्रॉस कर दीजिएगा, अनिला जी को सुन लीजिए पहले। जी राकेश जी, इन लोगों को तो बच्चा ही नजर आएगा ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो एनसीपी हो। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो बलात्कारी बच्चे हैं उनके लिए कह देते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ शाहनवाज को कह देते अरे बच्चा है, कोशिश कर रहा था कि हिंदू बच्चों का धर्म धर्मांतरण हो जाए, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। पर ये भी नहीं कहेंगे कि गलती हो गई है, उसको बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं ना राकेश जी, हमारा जो डीएनए है ना, यहाँ पे सर्वधर्म संभाव ये सिखाया जाता है, वसुधा कुटुंबकम, और इसीलिए हमारे पे, क्योंकि हम एक किताब से तो गवर्न होते नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो सदैव चलता रहे, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सत्य है। तो जब इसका हम पालन करते हैं, धर्म हमारा मतलब होता है कर्तव्य, तो जब अपना कर्तव्य जो है वसुधा कुटुंबकम का बनाते रहे और ये आकर हमारे पीठ में खंजर भोंकते रहे। औरंगजेब जिसने सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराए थे, जिसने सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा था, लोग उसको हीरो बनाकर घूमते हैं। जब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसे जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, वो सामने आ जाते हैं, अरे औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे हैं और टीपू सुल्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, और इनके चचा दाढ़ी वाले ओवैसी, वो तो सबसे बड़े मुसलमानों के नेता बनकर घूमते हैं पूरे भारतवर्ष में, सोच रहे हैं जिन्ना तो चला गया, दूसरा जिन्ना मैं ही बन जाऊं। ठीक है ये सोचते हैं कि जितनी हिमाकत हम कर सकते हैं करेंगे और वकालत भी करेंगे। अनिला जी आता हूं, अब्बास हैदर आप कुछ कह रहे थे जल्दी से। देखिए अनिला जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की ओछी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कर सकते हैं कि वो किसी प्रवक्ता की धर्म और जाति सूचक आप अगर बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको शर्मानी चाहिए, आपको अपने शब्द धर्म सूचक क्या कहा उन्होंने? मैं कहना चाहता हूं अगर अब्बास हैदर साहब, आप अगर अनिला जी ने क्या धर्म सूचक कहा? सबसे महत्वपूर्ण राजधर्म है। मैंने राकेश जी कहा कि ये मुस्लिम धर्म से, क्या मैंने गलत कहा? मेरे को कह रहे हो कि आप हिंदू धर्म से, मुझे तो कोई अपमान नहीं लगेगा। मैंने कहा कि आप जो है मुस्लिम है, बलात्कार करते पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बलात्कारियों को अगर आपको मैंने मुस्लिम कह दिया तो आपको अपमान लग रहा है? ये सौ बार सही है कि हम मुस्लिम आप हिंदू है, मुझे तो कोई अपमान नहीं लगेगा क्योंकि मैं हूँ हिंदू। कानून व्यवस्था इसके ऊपर अपमान करना चाहिए, अपमान लग रहा है जिसके हमारी देश की जनता का कोई लेना देना नहीं। आज आप नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का देश की जनता का औरंगजेब से लेना देना है, देश की जनता के शाहनवाज से लेना देना है? ये बताएंगे किस पैनल में कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, किस जात का है? मैं भी कह सकता हूं आपके ऊपर कुछ, लेकिन मुझे मेरी बोलिए ना, सौ बार बोलिए। नहीं नहीं सर, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं नहीं टिप्पणियां नहीं सर, अब्बास हैदर जी मैं आपको भी रोकता हूं, मैंने आपका भरपूर समय दिया। अनिला जी की जो बात बुरी लगी आपने इस मंच पर रख दी, अनिला जी आप भी शांत होइए। नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है। अब मोहम्मद